Hello, good morning. How are you all? As it is 2nd August 2021 and you have your English exam on 4th August 2021 after 2 days, you know. So what you have to do in your examination, you know. So I want to tell you about preparation of your examination that you have to go through before sitting in the examination, you know. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि वो तो आप सब उससे वाकिफ हैं, आप यू नो ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न, बट देर इज सम चेंजेस इन दिस ईयर इन द पैटर्न ऑफ योर एग्जामिनेशन. यू नो क्या है कि जैसे ये आपका यूनिट फर्स्ट है तो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम बनाया गया है जिसमें अकॉर्डिंग टू बोर्ड गाइडलाइंस जिसमें 25 मार्क्स का तो आपका ऑब्जेक्टिव है पहले और फिर उसके बाद 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव है. तो ऑब्जेक्टिव पहले मतलब एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो जो आएंगे आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा. यू विल बी गिवन अ पैराग्राफ फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेस, यू डोंट वी डोंट नो, मतलब कहीं से भी आ सकता है पैराग्राफ है जिसमें आपकी रीडिंग स्किल देखा जाएगा कि आपका रीडिंग अंडरस्टैंडिंग कितना बेटर है. तो एक पैराग्राफ आएगा उसमें से आपको क्वेश्चनिंग करनी है. क्वेश्चनिंग मतलब पहले क्या था, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देते थे आपको लिखने होते थे, अब ऐसा नहीं है. अब क्या है, आपको क्वेश्चन देकर उसके साथ विकल्प भी देते हैं, यानी आपके ऑप्शंस मिलते हैं, उन ऑप्शन में से जो एक करेक्ट ऑप्शन होता है वो आपको चूज करना होता है. तो ये 20 मार्क्स का मैंने दिया है और 5 मार्क्स का उसके बाद है आपके लिटरेचर में से, वो भी मल्टीपल ही है, यानी 25, यानी अगर 50 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम है तो आधा यानी हाफ यानी 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, फिर देन हाफ यानी 25 मार्क्स का बाकी सब्जेक्टिव होगा जिसमें आपका राइटिंग स्किल होगा, जिसमें से आपको जो नोटिस और एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो सिखाए थे आपको ग्रामर के वो लिखने हैं उसी में ही, उस बाकी के 25 मार्क्स में से, है ना, और बाकी आपका लिटरेचर में से आएगा. तो आज मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो. जो बच्चे नए हैं या जिन्हें कुछ पैटर्न के बारे में नहीं पता, वैसे तो आपने 11th क्लास में दिया होगा एग्ज़ाम तो वो भी सेम ही है. तब देखिए 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम है यानी डेढ़ घंटे का आपका एग्ज़ाम है जिसमें आपको करना क्या है, टीचमेंट पे आपको लिंक जैसे कि रोज सेंड करते हैं, यू विल बी सेंड अ लिंक एंड एनरोल आप सब है ही और टाइम से आके आप आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा. जैसा कि मैंने पहले आपकी प्रैक्टिस कितनी बार कराई है एग्ज़ाम दे देंगे आपको, तो उसमें से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देन आपको सीट मिली होगी स्कूल से, उसमें लिख कर आंसर और वापस उसका फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना के वापस टीचिंग पे आपको विदिन 90 मिनट्स अपलोड करना है. अगर आप 90 मिनट्स के विदिन के अंदर अपलोड नहीं कर पाते तो योर कॉपी विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी कंडीशन, है ना, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड इफ़ यू आर लेट, है ना. अगर लेट होते हैं तो किसी भी स्थिति में आप एक्सेप्ट नहीं किया जाएंगे बेटा. तो आपको 90 मिनट के अंदर ही वो एग्ज़ाम भी करना है, इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं है. हाँ, जो बच्चा पढ़ा रहे हैं इसके लिए हार्ड है, पढ़ने वालों के लिए बहुत ईजी है. 90 मिनट से पहले आप कर लेंगे, फिर फोटो क्लिक करके आप जो है सेंड कर देंगे. तो राइटिंग जो आपका रीडिंग स्किल्स है वो आप उसके बारे में जानते हैं, क्वेश्चन छाड़ना है, बैटर ऑप्शन करना है, उसके बाद आता है आपका राइटिंग स्किल. तो राइटिंग स्किल में आपको लेटर्स और नोटिस राइटिंग, तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ. जैसे कि ऑल ऑफ यू नो दैट टुडे दिस इज अ रिवीजन क्लास फॉर यू, तो जैसे मैं पैटर्न आपको तो फिर से बता देता हूँ. जैसे आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, लेटर टू द एडिटर सपोज दैट, तो आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लिया मैंने अपनी गार्बेज से रिलेटेड प्रॉब्लम लिखवाई थी, कोई भी वाटर प्रॉब्लम, कुछ भी समथिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव इन योर society and your colony, then you have to solve the problem by sending it to the newspaper. तो इसको हाईलाइट करना है. मान लिया आपको कोई वाटर प्रॉब्लम है, सपोज में वाटर या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन कुछ भी, मान लिया पोलोथीन से आपको प्रॉब्लम है आपकी एरिया में, तो पोलोथीन बहुत फेंक देते हैं लोग ऐसे सड़कों पर चलते फिरते, हालांकि बैन है तो फिर भी. तो आपको करना क्या है, आपको नाम लेके जाएगा तो आपको स्टार्टिंग में लिखना है
जो भी आप चाहते हैं उसके बाद में जिस एडिटर से डेट आपको लिखनी है ना, जैसे 13 मई 21 एंड आफ्टर दैट जिस एडिटर और द हिंदुस्तान टाइम्स से जो भी आपका एग्जाम जो भी न्यूज़ पेपर ठीक लगे जो आपको दिया जाए एग्जाम में हिंदुस्तान टाइम्स और फिर सैल्यूटेशन या डियर सर या रिस्पेक्टेड सर जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके बाद थ्रू कॉलम है ना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज पेपर, आपके प्रसिद्ध न्यूज पेपर के कॉलम के माध्यम से है ना, मैं यह बात छापना चाहता हूँ या फिर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, आई वांट गेट पब्लिश प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को पब्लिश कराना चाहता हूँ आपके न्यूज पेपर, आपके स्टेम्ड आपके पॉपुलर न्यूज पेपर के माध्यम से मैं इस बात को हाईलाइट कराना चाहता हूँ, आप अपने हिसाब से लागू कराएंगे कि आप तो गेट पब्लिश दिस इश्यू, इस इश्यू को पब्लिश कराना चाहता हूँ है ना। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेटा मैं तो यहाँ पे इतना मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आपको ऐसे जबान से बता देता हूँ कि इसके 3 पार्ट्स करने हैं आपको, जो मैसेज बॉडी है जो कंटेंट है मैंने आपको बताया था, वीडियो भी सेंड की थी और लाइव क्लास में भी बता रखा है कि आपको 3 पार्ट करना है, 3 पार्ट नहीं करना है, 3 पार्ट के हिसाब से लिखना है। जैसे फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आप किस रिगार्ड लिखना चाहते हो, और यहाँ सब्जेक्ट है वो हम जरा बोलेंगे, सब्जेक्ट यहाँ सैल्यूटेशन के पहले सब्जेक्ट लिखना है ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, गार्बेज इशू या पॉलिथीन इशू, ये बहुत शॉर्ट लिखना है लेकिन ज़्यादा मीनिंग हो उसका है ना, पॉलिथीन इशू इन आवर कॉलोनी या इन आवर एरिया वो आपको लिखना है। और इसके 3 पार्ट्स कैसे करने हैं, पहले में आपको इंट्रोडक्शन देना है, दूसरे में बीच में आपको बताना है प्रॉब्लम आप चाहते हैं क्या है वास्तव में, और एंड में फिर आपको कंक्लूजन देना है कि हम ये चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी इस सेक्शन में ये करें। तो जैसे आप अभी फिर आपको प्रॉब्लम बतानी है कि डियर सर, या ये बार बार ना लिखे अच्छा नहीं लगता कि सर पीपल इन आवर एरिया पॉलिथीन्स एनीवेयर है ना, एनीवेयर दे वांट, बस ये आपको 120 से लेकर 150 वर्ड्स तक इसको एक्सटेंड करना है, पढ़ाना है, इस बात का खास ध्यान रहे। तो फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ, ये आपको एड्रेस लिखना है, फिर नीचे डेट डालनी है, फिर एडिटर उसका डेजिग्नेशन और एड्रेस है ना, जैसे डेजिग्नेशन वो एडिटर है और एड्रेस क्या है हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर है, फिर उसके बाद आपको सैल्यूटेशन या सब्जेक्ट वो मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों में से कोई एक लिख देना है ना। उसके बाद फिर आपको मैसेज बॉडी यानी कंटेंट लिखना है, कंटेंट में आपको लिखना है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर या थ्रू द कॉलम ऑफ योर पॉपुलर है ना, ऑफ योर वेल नोन न्यूज़पेपर, आई वांट टू गेट पब्लिश्ड द प्रॉब्लम या आई वांट टू गेट हाईलाइटेड द प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करवाना चाहता हूँ या पब्लिश कराना चाहता हूँ, ये आपको लिखना है। और उसके बाद इतना कहकर फिर प्रॉब्लम क्या है वो बयां करनी है, वो बतानी है, और ये आपको एक्सीड करनी है कहाँ तक, 120 वर्ड्स से लेकर 150 तक है ना। उसके बाद फिर कंक्लूजन, सपोज दैट ये पॉलीथीन का कंक्लूजन है तो मैं आपको बताता हूँ ये आप कैसे करोगे, सर इन द एंड वी वांट टू से अगेन दैट प्लीज़ टेक इमीडिएट एक्शन, और या फिर आप तो अखबार वालों को लिख रहे हैं ना तो ऐसा लिखेंगे, सर प्लीज़ पब्लिश
दिस लेटर इन योर न्यूज़ पेपर्स कॉलम, आपके न्यूज़ पेपर के कॉलम में लिखिए, सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज़ मे टेक एन एक्शन इमिडिएटली, जिससे कि जो उसके रिलेटेड अथॉरिटीज़ है, जो संबंधित इसके कर्मचारी अथॉरिटीज यानी जो अथॉरिटी में हैं, जो अधिकारी हैं, जिनके पास अधिकार है, वो जल्दी से इस पर इमिडिएट एक्शन ले सके, जल्दी से एक्शन ले सके, बस हम ये चाहते हैं। फिर उसके बाद अपना नाम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, सबसे पहले सिग्नेचर करेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे और फिर डेजिग्नेशन अगर है तो। भाई डेजिग्नेशन जैसे आपका कोई पद है, आप किसी कॉलोनी के प्रेसिडेंट है या कुछ है, या कुछ भी नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव, है ना, इफ़ यू आर नथिंग, यदि आप कुछ नहीं है उस एरिया के, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको क्या करना है, सपोज दैट इसमें नहीं दिया जाता है कि आप प्रेसिडेंट है उस एरिया की कॉलोनी के, या फिर चेयरमैन है कुछ है, अगर आप कुछ भी नहीं है, फिर नथिंग, देन यू जस्ट हैव टू टेक हैड राइट एन इनहेबिटेंट ऑफ गुप्ता कॉलोनी या दूसरी कॉलोनी, ठीक है, कि मैं एक निवासी हूँ फला फला कॉलोनी का और मैं हिस्सा हूँ, तो पहले सिग्नेचर, फिर अपने नेम, उसके नीचे अपने डेजिग्नेशन, अगर डेजिग्नेशन नहीं है तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें कैसे पता चलेगा इस बात को, तो आपको लिखना है कि एन इनहेबिटेंट ऑफ ए बी सी कॉलोनी, जो भी कॉलोनी आप रहते हैं उसके एक इनहेबिटेंट हो, एक निवासी हो, और आप अपने इस लेटर को पब्लिश करना चाहते हैं आपके न्यूज़ पेपर में। ये आपको हो गया आपका लेटर। और अब बात करते हैं नोटिस की, तो मैं बार बार कैमरे के पास इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ आवाज़ आपको मैंने पहले कहा है रिसाउंड होती है, क्लियर नहीं आती है, तो इसलिए मैं बार बार कैमरे के पीछे जाकर अपनी आवाज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच सके और आप समझ सकें। तो ये था आपका लेटर का टाइटल, लेटर का फॉर्मेट था। अब अगर आपको कोई नोटिस लिखने को कहा जाता है, जो आपका 3 मार्क्स में आता है बोर्ड एग्जाम में, या आपका परसों भी कोई ना कोई नोटिस वगैरह जरूर आएगा, वो भी तो एग्ज़ाम है, एक तरह से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड के लिए, तो मान लिया नोटिस है कि आप रोहित रोहिता या जो भी है समथिंग, और यू हैव टू राइट नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल अबाउट इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स दैट दे शुड सबमिट देयर बायोलॉजी और समथिंग और इंग्लिश सबमिशन फाइल, असेसमेंट फाइल्स टू द रणवीर सर या दूसरे सर के पास जमा करा दें, और विद इन 3 डेज या बाई 28 मई जो भी डेट आपको एक डेडलाइन दे दी जाएगी, वो आपको लिखना है, और आप ये हैं जिन्हें आपके डेजिग्नेशन जो देते हैं, तो नोटिस का आपको फॉर्मेट अच्छे से पता है, जो मैं आपको उस दिन भी लिखवाया हूँ, लाइव क्लास में भी हमने डिस्कस किया है ये टॉपिक। तो करते हैं ट्राई, पहले तो आपको लिखना है यहाँ कैपिटल में लिखना है, तो मैं यहाँ इसको कैपिटल में ही लिख देता हूँ इस तरह से, जिससे कि आपका याद रहे आप बोले। उसके बाद नोटिस है ना, और नोटिस के बाद आपको यहाँ डेट डाल देंगे, जो भी डेट है, फिर यहाँ आपका एक टाइटल होता है, टाइटल तो आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जैसे अब सबमिशन बायोफाइल्स आपने इतना टाइटल लिख दिया है, तो जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो तो समझ जाने हैं देख के, और जो बायो के नहीं है उसको स्किप कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, वो नहीं पढ़ने वाले, तो टाइटल बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। फिर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, इट इज इन्फॉर्म दैट सूचित किया जाता है या सूचना दी जाती है आपको, क्या सूचना दी जाती है, और बायोलॉजी स्टूडेंट्स मस्ट, यानी जरूर एक कहूँ है, मस्ट सबमिट देयर
फाइल ऑफ फाइल्स है ना। जो अपने फाइल पेंडिंग फाइल सबमिट नहीं करेगा उसको एग्जाम में रिमार्क भी नहीं किया जाएगा, एग्जाम में नहीं बैठाया जाएगा, उसकी कोई गिनती नहीं होगी, है ना। तो ये आपको लिख देना है। उसके बाद किस तरह के पास जमा करवाने थे वो यहाँ लिखना है। तो मैं सर्किल लेबोरेटरी में जमा कराते हैं। तो जितने बार भी डेटा लेने हैं वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेवन 2023 की डाल देते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट एक लाइन होती है, वो आपको याद है ना जो मैंने कहा था आपसे, के फॉर मोर डिटेल्स, है ना। कॉन्टैक्ट अंडर साइंड, यानी जिसके यहाँ पर सिग्नेचर हुए हैं उससे कॉन्टैक्ट करिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपने पहले सिग्नेचर कर देने हैं, फिर अपना नेम लिख देना है कैपिटल वर्ड से, उसके बाद में अपनी डेजिग्नेशन आप जो है या नहीं है, जो हेड बॉय है, जो भी मॉनिटर वगैरह है क्लास के, वो लिख देना है। अच्छा, अब बात करते हैं इनविटेशन की। मान लिया आपको किसी को इनवाइट करना है, तो मैं आपसे जैसे उस दिन बता चुका हूँ, आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनविटेशन। दो तरह के इनविटेशन होते हैं। नंबर वन, कि जब आप किसी को इन्वाइट करते हैं वो इन्विटेशन हो वो आप लिखते हैं। उसके भी दो फॉर्मेट होते हैं लिखने के। नंबर एक पेपर पे, जैसा एक सिंपल एक कार्ड पे लिखते हैं, जैसे कि कार्ड शादी में आप कहीं से रिसीव करते हैं वो, और दूसरा आप लिखते हैं एज ए लेटर। जैसे लेटर पहले एड्रेस अपना, फिर एक लाइन छोड़ दी है, फिर डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। एक ये टाइप हो गया। तो ये तो हुआ वो इनविटेशन जो आप दूसरे को भेजते हैं, और एक होता है दूसरा आपको इनवाइट करता है और आप उसे रिस्पॉन्ड देते हैं कि हाँ मैं आऊँगा या नहीं, वो भी इनविटेशन। तो दो तरह के होते हैं ये। तो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपका आएगा कि एक तो या तो आप भेजिए किसी को इन्विटेशन, शादी है या कोई दूसरी फंक्शन है या यू हैव गॉट अ जॉब, है ना। तो किसी को आपको नौकरी मिल गई अच्छी, या आप किसी को कोई ओकेजन घर में हेल्प करना चाहते हैं वो, या फिर किसी ने आपको इनवाइट किया है किसी स्पेशल ओकेजन पे, यू आर, है ना। तो यू आर इनवाइटेड इन एन स्पेशल ओकेजन बाय योर एनी ऑफ फ्रेंड बाय एनी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड यू हैव टू राइट एन रिप्लाई। आपको एक रिप्लाई लिखना है, वो एक इन्विटेशन लेटर हो गया। तो दो तरह से होते हैं। तो बात करते हैं कार्ड फॉर्मेट की। जैसा मैंने इस दिन आपको बताया था, जैसे जिसके घर में फंक्शन है या जो होस्ट है, जैसे मिस्टर रामलाल के घर में उसके बेटे की शादी है, तो पहले मिस्टर रामलाल को मेंशन करना है ना। फिर जिसका जिसकी शादी वगैरह है उसको मेंशन करना है, जिसके साथ है उसको मेंशन करना है, और फिर उसके पेरेंट्स, ये फॉर्मेट है। और उसके बाद डेट और जगह, है ना, डेट एंड वेन्यू, यानी स्थान वेन्यू। तो डेट और जगह मेंशन करनी है, फिर आपको टाइम वगैरह लिखते हैं, फिर नीचे आ रहा सीधे लिखना है, यानी रिस्पॉन्स प्लीज ये लिख देना है। तो ये था आपका राइटिंग स्किल।
और राइटिंग स्किल के बाद बात करेंगे लिटरेचर के बारे में, जिसमें से आपके लेसन जो मैंने सेंड किए थे उन्हीं लेसन में से आएगा। और लिटरेचर में आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ओनली, एक तो मल्टीपल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 5 मार्क्स के मल्टीपल आएंगे आपके लिटरेचर में से कहीं से भी, उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो सारे लेसन को आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको उसमें से ऑप्शन दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि लेसन के बीच में से कहाँ से क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, क्या कहानी थी, उसके हिसाब से आपको टिक कर देना है राइट आंसर पे। और आपके इसके अलावा 3 लॉन्ग आंसर आएंगे 100 to 120 वर्ड्स के, ठीक है। तो एक आंसर 5 मार्क्स का होगा आपका, तो आपको 3 लॉन्ग आंसर करने हैं अपनी लिटरेचर बुक में से, जो लेसन मैंने आपको भेजे थे एज ए सिलेबस, वो उनको ध्यान से पढ़ लेना है। लिटरेचर का रिविज़न मैं कल कराऊंगा, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम परसों है, तो कल लिटरेचर का रिविज़न करते हैं। आज नहीं करो, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आपके दूसरे भी एग्जामिनेशन से, इसलिए इतना ही आज देखेंगे और बाकी कल मैं लेसन का रिविज़न कराता हूँ, समरी वगैरह बताता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड बी रेडी फॉर एग्जामिनेशंस, टेक केयर।